वेलकम टू मनीष गुरु। आज 10 जनवरी, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर एक समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा संशोधित किया जाएगा? तो ये संशोधित किया जाएगा खान और खनिज अधिनियम 1957 और कोयला खान अधिनियम 2015। यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सरकार ने कितने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5559 करोड़ रुपए की बायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 8 पूर्वोत्तर के राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में श्रीलंका के विदेश मंत्री भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे, श्रीलंका के विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दिनेश गुणवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनवरी 2020 से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की 2 दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ किया? तो उद्घाटन किया औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जनवरी 2020 में खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर वित्त की घोषणा की है? ये घोषणा की है SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में CCEA ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इक्विटी की बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 4 नगर निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में केंद्रीय हिंद महासागर नेतृत्व कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए UK के बच्चों का बुक अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है जसविंदर बिलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल डी रॉसी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो डेनियल डी रॉसी जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले क्रिकेट के इतिहास में 7वें बल्लेबाज कौन बने? तो 7वें बल्लेबाज बने हैं लियो कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने घोषणा की कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष संचार उद्देश्यों के लिए अपनी खुद की उपग्रह जोड़ी लॉन्च करना है, जिसे IDRSS कहा जाता है। IDRSS में R क्या है? तो इसमें R जो है ये है रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये किया गया स्पेन के देश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं UK के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1901 के बाद कौन सा वर्ष 7वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था? तो ये था 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किस पर डोपिंग के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया सरबजीत कौर को। यानी इसका करेक्ट आंसर है 3।